मध्य प्रदेश की जानी मानी महिला रेसलर रानी राणा अपने पति और ससुरालजनों के खिलाफ ग्वालियर के मथुरा थाने में दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज कराई है। बता दें आपको कि रानी राणा ग्वालियर जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। रानी राणा ने ग्वालियर चंबल अंचल का नाम रेसलिंग की दुनिया में रोशन किया। रानी राणा कई नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा के मुताबिक रानी राणा पुराने मुरार थाने में एक लिखित शिकायत पत्र में आवेदन दिया था, जिसमें उनके पति और सास ससुर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा सास ससुर उनसे दहेज की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पहले काउंसलिंग भी कराई लेकिन सुलह नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट की शिकायत पर आरोपी पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर की और मेरी शादी प्रिंस राणा 2020 में हुई थी उनके साथ में हिंदू रीति रिवाज से, और आए दिन मेरे साथ अत्याचार शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मुझे तोड़ा जा रहा था। और मैंने जब विरोध किया उस चीज़ पे तो मुझे रोक टोक आने जाने पर, मैं जो बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बस मेरी गलती यही कि मैंने एक कुश्ती खेल चुना या मैंने लड़कियों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर उनके लिए लड़ी हूँ या फिर ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं और मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया है अभी तक। जहाँ तक लड़कियाँ टूट जाती हैं बहुत जल्दी, कि लड़कियाँ कहते हैं कि तो एक सॉफ्ट होती हैं एक नाजुक होती हैं, लेकिन मेरे मैं खिलाड़ी भी हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत से बांध रखा है। पति और ससुर पे केस दर्ज कराया है। ससुर उनके माता जी और अपने हस्बैंड परेशान दहेज के लिए परेशान करना आए दिन के तुम मेरे आने जाने पर रोक टोक, जैसे मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ एक उदाहरण बनी हुई हूँ तो मुझे चीफ गेस्ट में भी बुलाया जाता कि मत जाओ, मैं जब वहाँ से लौट तो ताला डाल देना घर में ना घुसने देना। तो ये चीज़ें मैंने हर चीज़ इसलिए सही कि अपने सामान्य रूप घर से आते हैं वो ये एक लड़की के लिए कहते ना कि शुरू से दिमाग में डाल दी जाती है कि पति के बिना एक लड़की कुछ नहीं होती है। उस डर के मारे में 3 साल निकाल दिए मैंने हर चीज़ सहते हुए, लेकिन अब मैंने हिम्मत जुटाई है अपनी, अब जाके कि अब मुझे लड़ना अपने लिए लड़ना है।